हिंदुस्तान की ताकत देख ले नापाक पाकिस्तान। भारत के योद्धाओं का शौर्य देख ले ड्रैगन चीन। चीन की चौखट पर अब भारत की सीधी चुनौती। लद्दाख, हिंदुस्तान की सेना के टैंकों की आवाज की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 11,500 फुट की ऊंचाई पर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच लद्दाख के पठार में जब सेना के T-90 भीष्म टैंकों का बेड़ा एक साथ आगे बढ़ा तो हिमालय भी मानो थर्रा उठा। पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेना अब ऊंचे पर्वतीय इलाकों में युद्ध की तैयारियों में जुट गई है। मंगलवार को चीन सीमा के बेहद करीब पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने जल, थल और नभ में अपनी ताकत दिखाते हुए बड़ा युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने आसमान, धरती और पानी में अपना पराक्रम दिखाया। लद्दाख के पठार में सेना की युद्धाभ्यास का सबसे बड़ा आकर्षण T-90 भीष्म टैंक रहा। युद्धाभ्यास में आर्मी कमांडर ने T-90 भीष्म टैंक की सवारी कर इसकी मारक क्षमता का जायजा लिया। दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धक टैंकों में शुमार भीष्म टैंक रात के समय भी सटीक गोलीबारी करने की क्षमता रखता है। भीष्म टैंक एंटी टैंक मिसाइल भी छोड़ने में सक्षम है। ये टैंक 100 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर की दूरी तक विरोधी टैंक को निशाना बना सकता है। हेलीकॉप्टर नष्ट करने में सक्षम भीष्म टैंक हवाई हमले एकदम सटीक करता है। खास बात यह है कि बम और मिसाइल के हमले के बावजूद टैंक के अंदर बैठे जवान का बाल भी बाका नहीं होता। ऊंचे इलाकों में दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए आसमान से पैराट्रूपर्स उतारने का अभ्यास भी किया गया। ऊंचे पहाड़ों के बीच जहाज से पैराट्रूप ने शानदार तरीके से लैंडिंग की। सेना की ताकत को जांचने और परखने के लिए पैराट्रूपर्स की ये लैंडिंग रात के अंधेरे में भी की गई। लद्दाख में पाकिस्तान और चीन के सामने खड़ी भारतीय सेना को मजबूत करना समय की मांग है। यही वजह है कि लद्दाख के पठार में हुए इस युद्धाभ्यास में सेना के साथ मैकेनाइज्ड फोर्स ने भी हिस्सा लिया। खुद उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए। लद्दाख हो या कश्मीर, राजस्थान का बॉर्डर हो या फिर अरुणाचल की सीमाएं, सेना में नए हथियार और उच्च तकनीकी उपकरणों को शामिल करने के साथ भारतीय सेना की क्षमता और घातकता लगातार बढ़ रही थी। अब दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी भारत की सेना दुश्मनों को परास्त करने का मादा रखती है। यही वजह है कि लद्दाख में भारतीय सेना का शौर्य देख चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।